गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस योर बॉय जिशान मिर्जा आ चुका है एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग स्टार्ट होता है दिन के 4 बजे। यार दो दिन से ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी यार, इस वजह से ब्लॉग आ नहीं पा रहा था। कैसे हो तुम सब सारे भाई? हो अच्छे ही होंगे, उनकी बहनें भी अच्छी होंगी। आ चुके हैं एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, लास्ट तक बने रहना। अब सारे ब्लॉग छोटे आने वाले हैं, बड़े ब्लॉग आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सो कर आज उठ गया हूँ, थोड़ी देर हो गई मेरे को सोकर उठे हुए। अभी नाश्ता वाश्ता कराया, सोचा चलो आ जाते हैं तुम लोगों से बात कर लेते हैं। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी तुम्हारे भाई की। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा प्यार बरसा देना, कमेंट तुम लोग करते नहीं हो, खाली लाइक करके चले जाते हो। यार कमेंट वमेंट क्या करो, सारे भाई बात करेंगे, उनकी बहनें भी बात बात करेंगी। अब चलो तुम्हें दिखाता हूँ आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, सुबह की शुरुआत कैसे होती है, पूरा दिन कैसे जाएगा, ठीक है। आज ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं शेयर मार्केट के बारे में सीख रहा हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि मैंने वापस अपनी शेयर मार्केट स्टार्ट कर दी है, ठीक है। आई होप तुम लोग भी कुछ ना कुछ करते होगे। मैं जैसे जॉब भी करता हूँ उसके साथ मैंने शेयर मार्केट का भी काम स्टार्ट कर दिया है। यार क्या हो रहा था ना कि बहुत महंगाई आ गई है। देखो भाई मेरे तो बहुत खर्चे हैं, तुम्हारे पता नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खर्चेलू इंसान हूँ, तो मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं जिंदगी में। मेरे को खाना भी बाहर का पसंद है, मेरे को घूमना भी पसंद है, मेरे को शॉपिंग भी पसंद है, बहुत ज़्यादा मेरे को ये सारी चीज़ें पसंद है, ठीक है। फिर मैं जिम भी जा रहा हूँ आजकल। तो अभी का सबसे पहले की रूटीन है कि मैं शेयर मार्केट सीख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ कैंडल स्टिक सीख रहा हूँ। मंडे को शेयर मार्केट खुलेगी, आज तो सैटरडे, सैटरडे को मार्केट बंद होती है, संडे को मार्केट बंद होती है। मंडे के लिए मैंने एक स्टॉक खरीद के रखा है, तो मैं उसका चार्ट रीड कर रहा हूँ कि मंडे को वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। मैं अपने सारे स्टॉक के बारे में बताता हूँ। आई होप तुम लोगों भी शेयर मार्केट में हो गए। अगर जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाता होगा ना या जो भी कुछ स्टॉक्स खरीदता होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कुछ तुमसे सीखूंगा, तुम कुछ मुझसे सीखोगे। चलो ये सारी बकचोदियां खत्म करके तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये है जो मैंने स्टॉक खरीदा है, ठीक है। ये इसकी पूरी कैंडल स्टिक है, ठीक है। ये मैंने खरीदा है, ये देख लो, निफ्टी 50, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद है, मेरे को होल्डिंग वाला नहीं पसंद है। रिक्स बड़ा होता है तो पैसा भी बड़ा मिलता है। ये रही मेरी कुछ स्टिक की, मैं कैसे कैसे क्या है, कौन सी डोजी कैंडल है, कौन सी क्या है क्या नहीं है। ये मैंने पूरा अपना चार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, ये मेरे को अभी पूरा रीड करना है। ये डोजी कैंडल कहाँ बनी है, इसके बाद मार्केट अप जाएगी नहीं जाएगी, ये वाली कैंडल कौन सी है, इसके बाद मार्केट क्यों डाउन गिरी, कब अप जाएगी, क्या होगा, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। ये रही पूरी मार्केट की वैल्यू, ठीक है। बहुत तेज लग रही थी भूख, ठीक है, पढ़ाई करके आ गया हूँ शेयर मार्केट की। दो स्टॉक मैंने पसंद करे हैं, शायद कल की वीडियो में तुम लोगों को वो दो स्टॉक बताऊंगा, फिर खुद देख लेना कि वो दो स्टॉक बढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। एक CTPL पैक है और एक निफ्टी का है 17,200 का PE, ठीक है। दो स्टॉक पसंद करके आया हूँ, आज पूरी उसके पीछे और पढ़ाई कर लूंगा, कल तुम लोगों को वो दोनों स्टॉक के बारे में बताऊंगा। एक का PE लेना है और 17,000 जो निफ्टी है ना उसका तो PE लेना है, ठीक है। और जो अपना वो है ना CTPL पैक, उसका भी मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड चलने वाला है। वो चल रहा है अभी 1200 रुपये पे स्टॉक, शायद उसका 50-60% डाउन ट्रेंड चलने वाला है। और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश यार, जिम जाने का मन है, कल भी इस वजह से जिम नहीं जा पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। दो दिन तीन दिन मंडे को जिम स्टार्ट करा है, ठीक है। आज मेरा लेग्स है तो मेरे को लेग्स करना है, और आज बारिश हो ना हो मुझे नहीं पता, मेरे को जिम जाना ही जाना है। शायद बारिश ना हो तो मैं जिम चला जाऊंगा, अदरवाइज मैं फिर से अटक जाऊंगा। कल वापस संडे आ जाएगा, 3 दिन की लगातार छुट्टी हो जाएगी। यार मेरे को इतनी छुट्टियां नहीं करनी, अभी मेरे को दिसंबर तक रेगुलर जिम जाना है, मेरे को अपने सारे जिम जाकर वापस बॉडी बनानी है क्योंकि मेरे कजिन की शादी है, मैंने तुम लोगों को बताया था। अगर तुम लोगों ने पिछले ब्लॉग नहीं ये देखे हैं तो जाकर पिछले ब्लॉग्स देख कर आओ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत भूलना यार। तुम लोग अगर सब्सक्राइब करके जाते हो ना मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती है, तुम लोगों का एक कमेंट ना कसम से मेरे को खुश कर देता है कि यार मेरे वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज आने लग गए, मेरे वीडियो पे 100 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए, मेरे को हर दिन मोटिवेशन मिलती है। जो भी ये वीडियो देखेगा ना जाकर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलो जाते हैं यार कुछ खाने, बहुत तेज़ भूख लग रही है। फ्रिज में देखता हूँ क्या हो क्या है, उसके बाद अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ब्रेड है अपने पास, ब्रेड मैं कल लेकर आया था, ब्रेड और अपने पास न्यूट्रेला रखा हुआ है, न्यूट्रेला अपन खा लेंगे। ये रहा अपना न्यूट्रेला खा लेंगे। ये वाली मैं ब्रेड खा रहा हूँ अभी, कोई ब्राउन ब्रेड ये सब कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रेला और ये खा लेंगे, बहुत तेज भूख लगी है, आ जाओ एक बार। ये लो अपना 3 ब्रेड, चॉकलेट लक्के हो चुकी है तैयार। देखो बात है ऐसी, मैं जिम इस वजह से जा रहा हूँ, मेरा अभी वेट है 48, ठीक है, नहीं 48 नहीं लौड़ा, मेरा वेट है अभी माशाल्लाह 56, 55, 52 ऐसे वेट है।
मेरे को दिसंबर तक वेट गेन करना है एटलीस्ट 68 और 67, ठीक है? अभी मेरा 50 कुछ है, मेरे को 70 किलो के आसपास का वेट गेन करना है। कमेंट सेक्शन में बता देना ऐसा क्या खाऊं जिससे दिसंबर तक में मेरा 10 किलो से वजन बढ़ जाए। वैसे तो बढ़ जाएगा, मैंने मुट्ठी मारना भी छोड़ दिया है, हिलाना विलाना सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं खाली खा रहा हूँ और खाली जिम जा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझाऊँ, पैसा कमाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काम पे डिपेंड मत रहो। देखो मेरा शेयर मार्केट में पहले बहुत लॉस हुआ है, मेरे को करना नहीं आता था, अभी फाइनली मैंने एकदम सीरियस वे में करना स्टार्ट करा है। मैं नोट बना रहा हूँ, एक एक कैंडल समझ रहा हूँ, कैंडल स्टिक किसे कहते हैं, सारी चीज़ें। कुछ भी काम करो, कहीं से भी कमाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, अगर तुम लोगों को ऑलरेडी कहीं से कमाई आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अपने भाई को भी बताना, तुम्हारा भाई भी स्टार्ट करेगा। इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, ये फ़ोन खरीदना, ये लौड़ा लस्तन करना, इसमें कुछ भी नहीं रखा, मैंने बहुत कर लिया, मैं हमेशा बर्बाद ही हुआ हूँ। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कितनी अहमियत है पैसों की, तो पैसे इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है? मुझे पता है मैं बकचोदी करता हूँ, अभी ऐसी थोड़ी नॉर्म वो वाली बात कर रहा हूँ, सीरियस बात, बट मैं बहुत फ़नी बनता हूँ, ठीक है? मेरे को बकचोदी करना पसंद है, बट बकचोदी से हट के भी एक दुनिया होती है यार। देखो मेरी बंदी ने मेरा बहुत काटा है, मैं बहुत काटा है मेरी बंदियों ने मेरा, ऐसा नहीं है, और सबकी बंदी काटती है, और ऐसा मैं हर लड़की के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो प्लीज़ लड़कियाँ तुम मेरे से प्यार करना, बट मैं इतना कहूँगा कि मेरा लड़कियों ने बहुत काटा है, अब मैं वो चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ। ये लड़कियों के ऊपर पैसा फेंकना, बहुत अच्छी भी लड़कियाँ होती हैं ज़िंदगी में, बहुत अच्छे लड़के भी होते हैं, लड़के भी बहुत हरामी मादरचोद होते हैं, उन्होंने भी लड़कियों का बहुत काटा होता है। तो एक बार मेरे साथ कह देना कमेंट सेक्शन में, बोलो जुबा केसरी, सारी लड़कियाँ जो भी ये वीडियो देखेंगी तुम सब बोलना जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, ठीक है? अब चलो खाते पीते हैं, बारिश वारिश रुक जाए, अब डायरेक्ट शाम को मिलते हैं जिम में। सब्सक्राइब कर देना। तो भैया अपडेट ऐसा है कुछ कि अंडा ब्रेड मैंने खा लिया है, 8:30 बजे मैं जिम जाता हूँ, आज मेरे लेग्स डे हैं। बारिश अभी तक हो रही है यार, लेकिन बारिश हल्की हल्की हो रही है, ठीक है? प्री वर्कआउट मील लेना मैंने स्टार्ट कर लिया है, देखो पूरी प्लेट फिनिश कर ली अंडे की, एक अंडा 2 ब्रेड खाया है, बहुत तेज भूख लग रही थी, खाना खा लिया था, सब कुछ हो गया। शाम का 7 बज गया, 8:30 बजे जिम जाऊंगा, 1.5 घंटा अभी बाकी है, और बारिश हल्की हल्की हो रही है। अगर बारिश पूरे तरीके से रुक जाएगी तो आज का लेग वर्कआउट है, लेग बहुत दिनों 8 महीने बाद मैं लेग लगाने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि लेग मजबूत होनी चाहिए, जो लेग है ना ये सबसे मजबूत होनी चाहिए जिम में। तो भैया बहुत गांठ फटने वाली है, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। कल तो जिम नहीं गया था क्योंकि कल भी बारिश हो रही थी रात को, तो अब परसों जिम गया था, मतलब वो जो परसों था ना जो चला गया, उसमें मैंने चेस्ट लगाई थी बहुत तगड़ी, चेस्ट का वर्कआउट दिखाया नहीं यार अभी अच्छे से, मतलब अच्छी बॉडी बनी नहीं है ना इस वजह से दिखा नहीं रहा हूँ। बट अब मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को दिखाना स्टार्ट करूँ, जैसा भी हूँ तुम ही लोगों का हूँ, मतलब पतला भी हूँ तो भी एक्सेप्ट कर लो, मोटा भी रहूँगा तो भी कर लेना, ठीक है? अब बात ऐसी है कि एक बार बारिश वारिश रुक जाए तो तुम्हें आज फाड़ू वर्कआउट दिखाता हूँ। अभी इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, जाकर सारे भाई इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, जो नए लोग देख रहे हो वो भी कर लेना, पुराने लोग भी देख लेना, फुल सपोर्ट किया करो, दिल से बहुत खुशी होती है, लव यू। 8:30 बजे मिलता हूँ, बता दूंगा तुम लोगों को जो भी अपडेट होगा। वैसे जिम जाने का तो बहुत ज़्यादा मन है यार, अब कोई नाटक ना हो जाए बारिश के चक्कर में। चलो अब थोड़ी देर में मिलता हूँ। मूड की मेरी बहन चुत चुकी है, इतने चूतिए मेरे जिम वाले हैं, इतने चूतिए मेरे जिम वाले हैं, पूरा लाल हो रहा हूँ मैं। प्री वर्कआउट पीकर जिम आया था, हुआ यूँ कुछ इस तरीके से कि 9 बजे जिम बंद हो जाती है, और जब मैं जिम पहुँच गया एक वर्कआउट कर रहा हूँ तो ट्रेनर आकर मुझे बता रहा कि 9 बजे जिम बंद हो जाती है। अब बताओ बहन चुत, प्री वर्कआउट लेकर आया हूँ, चूतिए
तू मुझे बता पहले कि जब मैंने जिम ज्वाइन कर रहा था 4 दिन पहले, तो तुम मुझे बताओगे ना कि 9 बजे जिम बंद हो जाती है, 10 बजे संडे को ऑफ रहता है, 9 बजे जिम बंद कर देते हैं रात को और संडे को ऑफ रहता है, या मैं बताऊंगा ये बताओ। फिर मेरे से उल्टी बहस लड़ा रहा कि आपको पता होना चाहिए। अरे मुझे कैसे पता होगा, पहले तो ये बताओ, तुम बताओगे मैं बताऊंगा तुम्हें। पूरा मेरा मूड खराब हो गया, पूरा मूड बनाकर आया था कि लेग्स लगाऊंगा अच्छे से, पूरा सीरियस होकर आया था, पूरी जिम की बहन चुद गई, लौड़ा लगाया मैंने लेग वेग, पूरा मूड खराब हो गया यार, बहन चुद खुजली हो रही पूरे शरीर में, प्री वर्कआउट लेकर आया ही था और ये नाटक हो गया, बताओ। अब देखता हूँ क्या करूँगा, अब रनिंग करते हुए घर जाऊँगा, पूरा मूड खराब हो गया यार, पूरा एकदम सीरियस। सैटरडे फ्राइडे को बारिश हुई इस वजह से नहीं आ पाया, फिर संडे को ये हुआ कि सैटरडे को ये सोचा था कि आज लेग लगाऊंगा, कल संडे है, कल रेस्ट कर लूँगा, एक वर्कआउट करा, 9 बजे मेरे सर पे आके खड़ा हो गया कि भैया जिम बंद हो रही है। अरे यार आप पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे ना कि नहीं करोगे, आप पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे ना कि भैया संडे को 9 बजे जिम बंद होती है, आपने ये तो इन्फॉर्म करा नहीं। ट्रेनर मैं सही बता रहा हूँ, किसी भी जिम में ट्रेनर होते हैं ना, बहन के लौड़े एकदम चूतिया होते हैं, उनसे कभी भी एक्सरसाइज मत पूछना, इतनी ज्ञान चोदने आ जाते हैं ना। मेरा ट्रेनरों से पता नहीं क्यों बहुत पहले से, एक पुलिस वालों से और एक ट्रेनर से मेरी बहुत लाल होती है, दिल करता है बहन ही चोट तू कहीं मिल जाए तो। अब जिम के बाहर बैठा हूँ, अब देखता हूँ क्या करूँगा, अब जा रहा हूँ घर और क्या ही करूँगा, जा रहा हूँ अब घर जा रहा हूँ, रनिंग करते हुए घर जा रहा हूँ। अब ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, पूरे शरीर में खुजली हो रही है, प्री वर्कआउट ले लिया था और जिम कर नहीं पाया, अब क्या करूँ, चलो निकलता हूँ, अब कल मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में, ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो शेयर आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दिया करो यार एटलीस्ट, बहन चोद पूरा मूड खराब हो गया आज मेरा, चलो अब मिलता हूँ कल।